नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। पॉपुलर रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का कोई भी सीजन अमिताभ बच्चन के बगैर सोचना नामुमकिन है। सिर्फ एक सीजन को छोड़कर उन्होंने बाकी सारे सीजन होस्ट किए हैं। अमिताभ बच्चन जिस अंदाज में लोगों से बात करते हैं वो उन्हें काफ़ी पसंद आता है। होस्ट के तौर पर अमिताभ बच्चन ने काफ़ी नाम भी कमाया है, लेकिन अब लगता है वो इस पोजीशन से रिटायर होना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन ने KBC का होस्ट बनकर काफ़ी पॉपुलरिटी हासिल की है। लोग अक्सर उनसे जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। KBC का सिर्फ एक सीजन शाहरुख खान ने होस्ट किया था, लेकिन उसी दौरान शो की TRP काफ़ी गिर गई थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने बतौर होस्ट शो में वापसी की और तब से लेकर अब तक इस पोजीशन पर कायम रहे हैं। मगर अब बिग बी ने इस पोजीशन को छोड़ने का मन बना दिया है। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद उन्होंने कहा है। पॉपुलर गेम शो में अमिताभ बच्चन ने मेकर से आग्रह किया कि उन्हें मैरिज काउंसलर बना दिया जाए। दरअसल बिग बी के कंटेस्टेंट्स से बात कर रहे थे। उस कंटेस्टेंट्स ने बिग बी के सामने अपनी शादी के समस्याओं का समाधान मांगा। उसे सुनते ही अमिताभ बच्चन ने चैनल वालों से कहा कि होस्ट से उनकी पोजीशन बदल कर मैरिज काउंसलर कर दी जाए। रचना नाम की कंटेस्टेंट्स ने अमिताभ बच्चन के सामने अपने पति की शिकायत लगाई। उन्होंने कहा कि उनके पति उन पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते हैं। इतना सुनते ही अमिताभ बच्चन अपनी कुर्सी घुमा ली और कहा, ए सोनी वालों, हमें एंकर का नाम बदल दो, मैरिज काउंसलर बोल दो। यही एक जगह मिलती है सबको, जितना भी दुख है घर का वो आके उधेल दीजिए, उसका हम पूरा निदान निकाल ही देंगे। हालांकि अपने कंटेस्टेंट की समस्या का बिग बी ने निदान जरूर निकाला। उन्होंने रचना के पति से रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी पति को घुमाने ले जाया करे। रचना के पति ने बताया कि यूरोप ट्रिप पर अभी हाल में ही वापस आई है। तब उसी समय रचना कहती है कि ट्रिप बैंक की तरफ से स्पॉन्सर की गई थी, उनके पति के जेब से एक भी रुपए खर्च नहीं हुआ है। अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट्स रचना के पति को कुछ रोमांटिक जेस्चर्स करने की नशीयत दी। रियलिटी शो होस्ट करने के साथ ही अमिताभ बच्चन फिल्म लाइन में भी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में कल्कि 2898 AD में उनका लुक शेयर किया गया है। उनकी ये फिल्म प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हसन के साथ होगी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन फिल्म गदपथ में भी नजर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।